कि ज्वेलरी शॉपिंग में अब कई सारे विकल्प भी आपको मिलेंगे, यानी कि आप घर बैठकर ज्वेलरी के डिजाइन भी देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए, वर्चुअल ट्रायल भी कर सकते हैं। और कैसे हम घर बैठे ज्वेलरी के डिजाइन देख सकते हैं, उसकी गारंटी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में जान सकते हैं, तो अगर आप इधर देखेंगे तो एक जो लेडी है वो वीडियो कॉलिंग के जरिए यहाँ पर ज्वेलरी देख रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा कि लोगों में ये ट्रेंड बढ़ा है, क्योंकि वो स्टोर आने से डर रहे हैं, ऐसे में वो घर बैठकर ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और वीडियो कॉलिंग के जरिए यहाँ पर जो स्टोर के बंदे हैं वो उनको बता रहे हैं कि क्या पूरी इसकी क्वालिटी है, कितने ग्राम का है, क्या क्या चीजें उसमें लगी हुई हैं। तो ये वीडियो कॉलिंग के जरिए आप आराम से अपने घर बैठकर स्टोर में बिना आए बगैर ज्वेलरी के डिजाइन देख सकते हैं, ज्वेलरी के रेट के बारे में जान सकते हैं, क्या कुछ नए डिजाइन आए हैं। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से कोरोना ने सभी को डराया हुआ है, तो ऐसे में कस्टमर स्टोर में आने से भी बच रहा है और यहाँ पर वीडियो कॉलिंग के जरिए ही वो अपने डिजाइन भी देख रहा है, जैसे कि यहाँ आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में। ये वीडियो कॉलिंग के जरिए डिजाइन देख रही हैं, तो जो कस्टमर है कई बार बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। जी जी मैम। तो किस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, क्या बताते हैं, किस तरीके से उनको समझाते हैं? मैम, हम आपका वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनको सारा साइट दिखाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहे, उसके बाद में हमको उसका डिटेल उनको व्हाट्सएप कर देते हैं। जैसे मान लो उसका मेकिंग चार्ज क्या है, या आपका मेकिंग चार्ज प्राइस, कितना गोल्ड लगा हुआ है, क्या कितना डायमंड लगा हुआ है, या स्टोन चार्ज क्या है, वो सारा कुछ हम ब्रेकअप बता देते हैं। तो अभी हमने देखा कि वीडियो कॉलिंग के जरिए कस्टमर किस तरीके से घर बैठे ज्वेलरी देख रहे हैं। अब ज्वेलरी स्टोर में जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या सुविधाएं नई हैं, क्या नए विकल्प हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एबीएम अभिषेक। अभिषेक से ही हम जान लेते हैं कि क्या कुछ नई चीजें इस कोरोना काल में ज्वेलरी शॉप्स में आई हैं। अभिषेक, कोरोना के बाद लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं शॉपिंग के लिए, लोग स्टोर में आने की जगह सोचते कि घर बैठे ही शॉपिंग कर ले, तो ये एक बड़ा टास्क भी है आप लोगों के सामने, और क्या कुछ नए विकल्प अब ज्वेलरी शॉप में आए हैं? जिस तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और किस तरीके से वो अगर स्टोर पे भी आए तो उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल, और कोरोना काल में किस तरीके से हमने अपने कस्टमर को भी सही सेफ रखना है और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी सेफ करना है, तो हमने सभी तरीके के सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं ताकि कस्टमर अगर हमारे यहाँ पे स्टोर में आता है तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करे, उनको ऐसा ना लगे कि वो ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस, कहते हैं उनका फूड डिसइंफेक्ट कराना, उनको सैनिटाइजर देना, मास्क देना, ये सब चीजें, और जैसे आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का सिटिंग पे भी ध्यान रखा गया। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भीड़ में नहीं जाना चाहते, उनका ध्यान रखते हुए हमने उनको ऑप्शन दिया है कि वो हमसे कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि वो टाइम में सिर्फ हम उनको अच्छे से अटेंड कर पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख पाए। अच्छा, एक चीज और है कि वर्चुअल ट्रायल जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड में है। yes. या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए लोग घर बैठे ही ज्वेलरी देख रहे हैं, तो ऐसे में जो कस्टमर है उनको ये फील दिलाना कि स्टोर जैसा ही कस्टमर को फील हो कि हम स्टोर में बैठे हैं, तो वो कितना बड़ा टास्क है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि टच एंड फील की जाती थी आज तक, बट जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ है वैसे वैसे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे जो फैसिलिटीज हैं हमने उसको भी अपग्रेड किया है। हमने एक स्पेशल पॉलीकार्बोनेट बॉक्स के थ्रू, कहते हैं, कस्टमर को डिस्प्ले करी है ज्वेलरी, जहां पे हम वर्चुअली ज्वेलरी डिस्प्ले करते हैं, जहां पे लाइट फटती नहीं है, जिसके कारण कहते कस्टमर एक बहुत ही ट्रू रियल लाइफ इमेज जैसे वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं और फिनिशिंग के बारे में जान सकते हैं। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेल्स ऑफिसर होता है, वो उनको पूरी डिटेल के साथ बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना सोना है, कितनी मेकिंग है, और बाकी जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। एक चीज और है कि जो लोग स्टोर में आते हैं, किसी ने ज्वेलरी ट्रायल की, तो उस ट्रायल के बाद उसको डिसइंफेक्ट करने का क्या यहाँ पर? बिल्कुल, एक एक चीज जो भी कस्टमर आके ट्राई करता है उसको सैनिटाइज किया जाता है वंस द कस्टमर लीव्स।
सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, ट्रेस और यहां तक कि जो सोफे पे वो बैठे हैं, कोई कस्टमर बैठा है उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है, पूरा सैनिटाइज किया जाता है, ताकि हम नेक्स्ट कस्टमर को एक बहुत ही सैनिटाइज एंड जर्म फ्री एनवायरनमेंट दे सकें अपनी परचेज करने के लिए। अच्छा अभिषेक, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से वर्चुअल ट्रायल की बात हमने की, वीडियो कॉलिंग की बात की, अपॉइंटमेंट की बात भी की कि भीड़ से बचने के लिए लोग अब अपॉइंटमेंट लेकर आ रहे हैं, तो जो कस्टमर्स हैं उसमें ये ट्रेंड कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लोगों का क्या कहना है जो लोग आते हैं, क्योंकि चूंकि फेस्टिवल भी आने वाले हैं, सीजन भी आने वाला है शादियों का, तो उन लोगों का क्या व्यू है, किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से अपना रहे हो? जब हमने अपने कस्टमर्स को ये ऑप्शंस दिया कि आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, प्लस हम वर्चुअल कॉलिंग के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हमारे 60 साल 50 साल 60 साल के ऊपर के कस्टमर्स हैं, जो अदरवाइज बहुत डिजिटली सेवी नहीं थे, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो भी बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत एनकरेजिंग हमें रिजल्ट मिला और बहुत बढ़ चढ़ के इस चीज़ का फैसिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्टोर में भी आते हैं, परचेज भी करते हैं और वर्चुअल भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। मैं इयर रिंग्स और पेंडेंट लेने आई हूँ। तो इस वक्त जब ज्वेलरी शॉपिंग में आ रहे तो कई सारे ट्रेंड्स भी दिख रहे कि घर बैठे ही हम डिजाइन देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। देखिए, देख तो सकते हैं, जो चीज फोटो में होती है वो रियल में अलग होती है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं लूँ तो देख के लूँ अपने सामने। और जहाँ तक कोरोना की बात है, ये तो कब पता नहीं कब तक चलता रहेगा, कब तक हम लोग चूहा बन के दानी में छुपे रहेंगे। आखिर इंसान है, रिस्क तो लेना ही है। बिल्कुल रिस्क तो लेना ही है, लेकिन जो ये नए ट्रेंड शुरू हुए हैं उनको कभी अपनाएंगे कि वीडियो कॉलिंग के जरिए देखेंगे या वर्चुअल ट्रायल घर बैठे ही देखेंगे? नहीं, मेरे को ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं आजमाऊंगी कभी। शॉपर हम लोग शॉपहलिक है, हम लोग आके ही लेंगे। अंकल आप बताइए। हाँ, अब ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली इनको मालूम ही नहीं था इनको यहाँ भी आना है। अच्छा। समझ में आया? नहीं तो ये इस हिसाब से नहीं आती, और थोड़ी सी मन समर के आती और उम्र को कम करके आती। अच्छा, आंटी ने तो मना कर दिया कि घर बैठे में डिजाइन नहीं देखूंगी, आपको क्या लगता है कि नई टेक्निक अपनानी चाहिए घर बैठे? एक्चुअली हर अपनाने चाहिए और जिस हिसाब से टाइम है अपनाना ही पड़ेगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने दिखने में और फोटो में फर्क पड़ जाती है। मैंने इससे पहले आपको अर्ज किया था कि क्या इसके साथ हो चुका है, ठीक है ना? तो अपनाना तो पड़ेगा कुछ हद तक, और ये नहीं कि पूरा उसी में अपनाना पड़े मेरे को। यानी कि मजा वही है शॉपिंग का, अगर स्टोर में आए देखें अपने सामने से तब ज़्यादा। तरीका बात है ना, चॉइस रहती है, 10 दे सकते हैं उसमें आप, एक देखिए एक भूल जाते हैं फिर वापस देखते हैं, फर्क है। पर वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों से मुलाकात हो गई, अगर घर में बैठे रहते तो आपके भी दर्शन नहीं होते। थैंक यू। तो यहाँ पर अभिषेक ने भी बताया कि चुनौती तो बड़ी है कि घर बैठे कस्टमर को ये विश्वास दिलाना कि वो स्टोर में है और सुरक्षा का एहसास दिलाना, लेकिन इसके बाद जिस तरीके के नए जो ट्रेंड शुरू हुए हैं, चाहे वो विजुअल वर्चुअल ट्रायल की बात कर ले, वीडियो कॉलिंग की बात कर ले, कस्टमर इसको आसानी से अपना रहे हैं क्योंकि हर किसी को सुविधा मिल रही है, और ऐसे में कोरोना के समय में घर बैठे शॉपिंग करने का जो मौका मिल रहा है उससे भी कोई छुपना नहीं है।